हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे और आपके चैनल विधाता नर्सिंग होम गार्डनिंग पे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे इकाइनोप्सिस कैक्टस है, जिसके मेरे पास 3 से 4 अलग अलग कलर है। एक ये जो पर्पल कलर के फूल हैं, पर्पल कलर के फ्लावर हैं, और ये दूसरे जो वाइट के साथ पिंक मिक्स है। आज मेरे कैक्टस ने बहुत ही सुंदर फ्लावर दिए हैं, तो मैंने सोचा क्यों न आपके साथ शेयर किया जाए। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना के डाली है, पहले भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इस कैक्टस को ग्रो करने के लिए आप इनके साइड से जो बच्चे निकल रहे हैं उन्हें अलग करके आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इन छोटे छोटे बेबी को अलग करके बहुत ही ईजीली आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, इनको कम से कम पानी की नीड होती है और वेल ड्रेन सोइल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इनमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उससे कैक्टस, आप सभी कैक्टस को फुल सनलाइट में रखें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलेगी तो प्लांट बहुत ही हेल्दी रहते हैं, और कम से कम पानी डालना चाहिए। तीसरा, आप इन्हें हर 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि मैं देता हूं इनको NPK 19:19 हर 15 दिन में 2 चम्मच एक बाल्टी पानी में डाल के डाइल्यूट करके पानी डालता हूं। गर्मियों में तो इन्हें हर रोज़ पानी दे सकते हैं आप, बट सर्दियों में, पूरी सर्दी में मैं इन्हें 2 से 3 बार ही पानी देता हूँ, क्योंकि कैक्टस के अंदर पहले से पानी की स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसे पानी दे देंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी और आपका प्लांट मर जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।